हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दियो जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की तैयारी चल रही है, जहां पर आपको एग्जाम के दृष्टि से सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा जो वीडियो पड़ा था सब्जेक्टिव, वो हमारा 12 बजे हमारा दिन में पड़ता है। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। साथ में इसका हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया था मॉर्निंग टाइम में, जब वीडियो अपलोड किए थे वहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया था, और यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब किसने सही दिया है, तो देखते हैं यहाँ पर किसने सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया था कि जो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस होती है, तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो यहाँ पर माउस एंड कीबोर्ड। किसने सही जवाब दिया है तो आप देख सकते हैं, सुनील कुमार, यहाँ पर अवनीश हमारे यादव हैं, यहाँ पर हमारे रोहित कुशवाहा हैं, साथ में हमारे अनु पटेल जो कि हमारे बहुत ही पुराने हमारे जुड़े हुए फ्रेंड्स ये हैं, और साथ में अर्चना यांगिका, ठीक है। और न्यू आपके जो शेयर करने से, वीडियो शेयर करने से यहाँ पर नए लोग हमारे जुड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए सौरभ यहाँ पर दिए हैं, उषा पटेल भी हैं, सोनू कुमार हैं, खुशबू शर्मा है, और यहाँ पर अनु प्रकाश हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके चैनल जो चल रहा है तो आपके सपोर्ट से ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है और टॉपिक को हम लोग बढ़ाते हैं स्पीड के साथ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक आम इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो यहाँ पर हमारा सी नंबर सही होगा, माउस एंड कीबोर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डाटा देते हैं, तो कौन देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नेटवर्क होता है वही हमारे जो वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं डाटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क का मुख्य जो डायरेक्टरी निम्न से कौन सा डायरेक्टरी कहलाता है, ठीक है, डिस्क का मुख्य डायरेक्टरी कौन कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है रूट, ठीक है, कौन कहलाता है, रूट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, उसे लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला वर्जन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंकों की सहायता से सभी डाटा को दिखाया जाता है वह कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा, आप सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब होगा बाइनरी संख्या, ठीक है, बाइनरी संख्या जो कि 2 अंकों की होती है, 0, 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूचना के भंडारण एवं निस्तरण के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यहाँ पर प्रयुक्त सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर होगा, डाटाबेस, ठीक है। सूचना के भंडारण एवं निस्तरण अर्थात रिवर्टिंग के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर डाटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सब B1 अर्थात B8 उदाहरण है किसका है, तो ये हमारा है फार्मूला का है, ठीक है, किसका है, फार्मूला का ये हमारा उदाहरण है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था थ्योरी वाला, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको ये जो है थोड़ा इजी लग जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, नए नए क्वेश्चन तो बनते रहते हैं मार्केट में, तो चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन कहलाता है। 8 का हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, कि वह सॉफ्टवेयर टूल जो उसके प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरैक्ट करवाता है वो हमारा कौन कहलाता है, एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, तो कौन हमारे यहाँ पर स्टोरेज मीडिया है, तो वो हमारा मीडिया हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर अर्थात मैग्नेट डिस्क, ठीक है, मैग्नेट जो हमारा टेप होता है यही होता है स्टोरेज मीडिया, जो एकमात्र हमारा है जो कि सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन कंट्रोल यूनिट का फलन नहीं है, तो इसमें से कंट्रोल यूनिट का हमारा कौन नहीं है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर 4th हमारा है सीधा ऑपरेशन, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, सीधा ऑपरेशन, अर्थात हमारा निम्न से कौन कंट्रोल यूनिट का फलन नहीं है, तो यहाँ पर सीधा ऑपरेशन नहीं है, अदर हमारे सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के विषय में क्या सत्य नहीं है, रैम के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पहला दिया है, रैम एक अस्थाई भंडारण है, ये तो सही है, रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज़ है, ये तो बिल्कुल गलत है हमारा, तो यहाँ पर बी नंबर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा नहीं है। रैम वोल्टेज है, ये भी सही है, कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जमा सूचना गायब हो जाता है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर बी नंबर आपका नहीं सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद लाने का सही एवं आसान तरीका क्या है? तो आप क्या करेंगे जब ऐसी स्थिति होती है, तब आपको क्या करते हैं, कट करते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है, कट एंड पेस्ट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर भी एक प्रकार के क्या हैं? तो यहाँ पर कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर भी क्या हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं, ये हमारे हो जाएंगे डी नंबर आपका सही होगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंपाइलर एवं कंट्रोलर एक प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों की भौतिक अवस्था अर्थात फिजिकल हमारी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को हम कहते हैं, तो तत्वों की भौतिक अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप थ्योरी माध्यम आपको वीडियो इसको प्रोवाइड करा जाता है 12 बजे दिन में। ठीक है, 12 बजे दिन में 11 और 12 के बीच में लगभग मिल जाता है, तो आपको 12 बजे इसका थ्योरी पोर्शन देखना है, जहां पर हमारे ये कंप्यूटर ही नहीं अदर सब्जेक्ट को भी इस समय लाया जाता है। साथ में मॉर्निंग में हमारी यहां पर एक लाई जाती है टेस्ट सीरीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी 6 से 7 के बीच में या 5 से 6 के बीच में एक मिलती है, जो कि हमारी मास्टर टेस्ट सीरीज के नाम से है। और एक वीडियो आपको मिलेगा ये हमारा 8 PM में, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, आपको लगाना है। हमारे यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कराई जा रही है बच्चों को। चलिए, यहाँ पर दिया है 15 क्वेश्चन, WW का यहाँ पर अर्थ क्या होता है, WWW का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? तो आप सबको पता होगा कि ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा होता है एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम हमारा होता है किसी टास्क को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोरेज किया जाता है और बाद में दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है, तो हमारा कौन सा होता है, और ये हो जाता है हमारा 17 का ए नंबर होगा, क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड की सहायता से हमको दूसरी जगह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, और 18 में क्वेश्चन कह रहा है, स्प्रेडशीट में एक डाटा हमारा दिया है, नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो कैलकुलेशन में आप किसका यूज करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि यूज करते हैं वैल्यू का, किसका करते हैं, वैल्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इस दे दिया है कि आपको खाली स्थान भरना है, में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो कौन सी ऐसी फाइल है जिसको कन्वर्ट करने पर डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित कर सकते हैं, तो ये हम लोग किसको कर सकते हैं, तो ये होते हैं HTML। ठीक है, HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुख्यतः बिहाइंड दी सीन डिटेल्स का ध्यान रखता या रखती है और हार्डवेयर को मैनेज करती है, तो कौन मैनेज करती है, तो यहाँ पर देख लेंगे कौन मैनेज करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे स्टोर किया जाना चाहिए, तो किस में स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा रैम में। ठीक है, किस में करेगा, रैम में, अर्थात रैम में ही CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो हमारा रैम में वो कर सकता है, स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन देखा होता तो इसका 60% आप 100% सॉल्व कर लेते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको रोज इसके वीडियो पढ़ते रहेंगे, आपको पूरा यहां पर सिलेबस लेके चलना है। ठीक है, चलिए, यहां पर दिया है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को यहाँ पर हम लोग PC कहते हैं, क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं, हमारा 23 नंबर हमारा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उसे PC कहते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं, 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं, तो 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर किलोवाट बोलते हैं, किलोबाइट बोलते हैं। ठीक है, किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेशों की स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं हम लोग मेल बॉक्स। ठीक है, किसको कहते हैं, मेल बॉक्स, जो भी ईमेल संदेशों की स्टोरेज किया जाता है उस एरिया को मेल बॉक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में रिकॉर्ड की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी स्टोरेज डाटा का एक कनेक्शन होता है, तो कौन सा होता है, यहाँ पर आपको फील करना है कौन सा होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर डाटाबेस टेबल में रिकॉर्ड की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डाटा एक कनेक्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 27 नंबर, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आपको भरना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतने ज़्यादा करवा देंगे, इतनी ज़्यादा करवा देंगे ना कि इसके हम कम से कम 150-200 क्वेश्चन लाएंगे, आपको आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। चलते हैं 27 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल आर्डर वाली कंपनी आर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा बैच, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग का हमारा प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल आर्डर वाली कंपनी आर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्कशीट में कालम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो वर्कशीट में कालम और रो के इंटरसेक्शन को यहाँ पर हम लोग कहते हैं, यहाँ पर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। तो वर्कशीट और कालम के जो रो इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो हमारी कोचिंग हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ताकि आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। इसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखिए, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, मूविंग, यहाँ पर है ड्रैगिंग, यहाँ पर ड्रॉपिंग, यहाँ पर है हाईलाइटिंग, ठीक है। आपको कौन सा है? तो 29 नंबर आपको क्वेश्चन देना है। तो फ्रेंड्स, आप फिर से सुन लीजिए, हमारी जो वीडियो की टाइमिंग है, तो आपको मॉर्निंग में हमारी मिलेगी मास्टर टेस्ट वीडियो, और ये वीडियो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। इस वीडियो का समय हमारा मॉर्निंग में 5 से आपको 7 बजे के बीच में लेगी। आप वहां पर नोटिफिकेशन में जाके सर्च कर लिया करो, रोज जाके, ठीक है। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो रोज जाके सर्च कर लिया करो। इतने बजे एक हमारी टेस्ट आती है, 12 बजे हमारी आती है, जो अभी कंप्यूटर पढ़ाएं इसी से रिलेटेड जो भी एग्जाम रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं 12 बजे आएगी, और 8 PM में आपकी एक आएगी जो कि आपकी टेस्ट सीरीज होगी। हिंदी हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मगर आपको 3 वीडियो 100% रोज मिलेंगे। एक्स्ट्रा वीडियो आपके कमेंट पर बनते हैं कि आपने कितना सीखा, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, और वैसे भी हम कभी कभी लाइव आ जाते हैं तो आप बता सकते हैं। ये फ्रेंड्स, आप इस PDF को साथ में हमारी जो थ्योरी पोर्शन PDF की थी उसको आप हमारे टेलीग्राम नंबर में पा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर देख पाएंगे कि हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के PDF यहाँ पर अपलोड कर दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो वीडियो बनाया था Part 1, इसका थ्योरी वाला पोर्शन हम अपलोड कर देंगे मॉर्निंग में। यहाँ पर संधियाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने ढेर सारे PDF, ढेर सारे वीडियो जितना अभी तक पढ़ाया सभी इसमें पढ़ाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।